जैसे कि मैंने बोला ना जी कि मेरी वाइफ हार्ट पेशेंट है और उसको मैं इतनी सर्दी के सामने ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहता था, उसे मैंने भेज दिया कार में और ये मेरे पीछे है फेयरमाउंट होटल। ये अंदर भी मैं जाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कैसे व्यूज मेरे रात। ये मैं वॉक कर रहा हूँ जी फेयरमाउंट होटल के अंदर जाते हुए। बर्फ से ढका पड़ा है ये पूरी तरह। ये जी लेक व्यूज में रेस्टोरेंट एंड शॉप्स में जाता हूँ आगे अंदर, देखता हूँ कैसे लगता है। और ये इन्होंने बर्फ को काट के रस्ते बनाए हुए हैं, ये लिखा है रजिस्टर्ड गेस्ट ओनली, ये तो नहीं जा पाऊंगा मैं। मैं जा रहा हूँ जी फेयरमाउंट होटल के अंदर लेक लुइस के, और ये मुझे ये डर लग रहा है कि स्लिपरी है थोड़ा, मुझे कॉशियसली चलना पड़ेगा। ये मेरे पीछे है जी फेयरमाउंट होटल का रेस्टोरेंट वगैरह, तो मैं जाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने उतार ली है, बाहर तो सर्दी थी, नानी की नानी याद आ रही थी, यहाँ है हीटेड है। और अब मैं ये सैर कर रहा हूँ जी कि फेयरमाउंट होटल के अंदर की ये रेस्टोरेंट्स है, और वैसे भी आज ये क्रिसमस का दिन है तो इन्होंने वैसे भी डेकोरेटेड वैसे ही रहता होगा। ये दुनिया का काफ़ी महंगा होटल है, ये $1400 आज की डेट में इसका रेंट है और 6 महीने की वेटिंग है इसके अंदर। तो भाई मेरी तो कार में चली गई, तो इसलिए मैं चाय कॉफ़ी तो नहीं पीऊँगा यहाँ पे, लेकिन मैं झलक तो दिखा ही सकता हूँ आपको। और ये मेरे पीछे है नज़ारे नज़र आ रहे हैं, वेलकम टू लेक व्यू लॉन्च, प्लीज़ वेट टू बी सीटेड। ये पीछे रेस्टोरेंट है और वहाँ से जो वे लेक के और माउंटेन के व्यूज बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, पर मुझे ठीक नहीं लगता कि मैं अंदर जाके वहाँ से इसको कैप्चर करूँ। ये है जी फेयरमाउंट होटल के लॉबी के व्यूज। ये मैं आ गया हूँ जी अंदर। ये स्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं मैडम लगता है। और ये है यहाँ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये लेक लुइस, ये इन्होंने मोमेंटो भी बना रखे हैं, लेक लुइस कनाडा। वाव, द चैट्यू माउंटेन स्पोर्ट्स। ये है जी मैं यहाँ से अंदर से व्यूज दिखा रहा हूँ आपको, क्या वे हेवनली व्यूज हैं। ये सब स्केटिंग की टीम लग रही है। यह
ये बहुत बढ़िया बना है जी ये, और ये बर्फ से ढका पड़ा तो इसके तो वो नज़ारे ही अलग है। ये है जी टू मेन लॉबी एंड होटल, बड़ा ये रॉयल स्टाइल है इस होटल का। बॉल रूम, ये है जी मैं बाहर के व्यूज ले रहा हूँ फेयर माउंट होटल के, और ये बहुत ही शानदार नज़ारे हैं ये, और ये डॉगी साहब भी जा रहे हैं अंदर। ये क्या शानदार व्यूज हैं जी, दुनिया के महंगे होटलों के से में से अंदर में से, और ये बाहर क्रिसमस का सचमुच का बिल्कुल जेन्युइन एटमॉस्फेयर लग रहा है, और वहाँ पीछे सूरज निकल रहा है तो उसका जो वे सन रेज पड़ रही हैं पहाड़ के ऊपर, तो ये तो लाजवाब नज़ारे दे रही हैं। ये मैं एक और राउंड ले रहा हूँ जी, ज़बरदस्त लाजवाब। ये है जी शानदार फेयरमाउंट होटल के अंदर के नज़ारे। ये है जी यहाँ के नज़ारे, ये है आइस पैलेस और स्केटिंग हो रही है, और ये लेक ल्यूइस फ्रोजन लेक है। सनराइज अभी नज़र नहीं आएगा, शाम का टाइम हो गया है तो ये दुनिया एंजॉय कर रही है, ये कुदरत के नज़ारे हैं जी। ये है जी लोहड़ी बाली जा रही है लेक लुइस में, मजाक कर रहा हूँ, ये क्रिसमस का दिन है।